हेलो दोस्तों, मैं हूं अशोक और ट्रांसपोर्ट अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों कैसे आप? दोस्तों जैसे कि आपको पता है, ट्रांसपोर्ट अड्डा चैनल पर आपको ट्रांसपोर्ट और ऑटो वर्ल्ड से रिलेटेड वीडियोस मिलेगी। तो आज मैं आया हूं संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर, जो कि दिल्ली के अंदर है। तो ट्रांसपोर्ट नगर मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ। अब जो है बात करते हैं यहाँ पर ट्रक ड्राइवर से। यानी दोस्तों ट्रक ड्राइवर की अगर बात की जाए तो ट्रक ड्राइवर की लाइफ क्या है, ट्रक ड्राइवर के लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, क्या कैसी ट्रक ड्राइवर की लाइफ होती है। और मैं आपको पहले बताना चाहूँगा दोस्तों, ट्रांसपोर्ट सिस्टम अगर अच्छा होगा किसी भी देश का, तो उतना ही अच्छा उस देश का जो है डेवलपमेंट होगा, उतनी अच्छी देश की जीडीपी ग्रो करेगी। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर ट्रक ड्राइवर जो है, ट्रक ड्राइवर की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। यानी कि एक इंटरनल सोल्जर ऑफ द कंट्री के रूप में जो है ट्रक ड्राइवर काम कर रहे हैं। अगर एक जगह से सामान दूसरी जगह अगर कोई पहुँचा रहा है तो वो सिर्फ ट्रक ड्राइवर है। तो जान लेते हैं ट्रक ड्राइवर की जो रियल ज़िंदगी है वो क्या होती है, और ट्रक ड्राइवर का एक्सपीरियंस हम जानने की इस वीडियो में कोशिश करेंगे। आइए चलते हैं ट्रक ड्राइवर्स के पास। नमस्कार सर, ट्रांसपोर्ट अड्डा पर आपका स्वागत है। जी भाई नमस्कार। ठीक है जी, बात की जाए सर, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम सर जुनैद है। ठीक है, मैं जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखता हूँ, जे एंड के से। सर जी, पहले हम यही कहना चाहते हैं, क्या आज से पहले, आज तो डीजल 100 रुपया बन गया है। अच्छा। तो उसके बाद ये पता चल रहा है कि आगे टोल भी खुले हैं। तो टोल प्लाज़ा खुलने के बाद जब हम यहाँ दिल्ली पहुँच रहे हैं, अब दिल्ली पहुँचते यहाँ पे जो भाड़ा है, जो आज से 50 साल पहले भाड़ा था, उससे कई ज़्यादा कम ही है। कहाँ से कहाँ गाड़ी चलाते सर आप? सर दिल्ली से श्रीनगर। अच्छा। हाँ जी। तो आरटीओ और पुलिस की प्रॉब्लम इस रूट पे आप क्या बताना चाहेंगे? बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। कल रात को आए थे। अच्छा। 800 मानो कि 1100 रुपये मेरे को खर्चा आए पानीपत से लेकर दिल्ली तक। तो डॉक्यूमेंट पूरे होने के बाद पूरा डॉक्यूमेंट होने के बावजूद फिर भी जेके नंबर जब भी देख रहे हैं, जेके नंबर की गाड़ी जैसे ही ये देखते हैं तो बस उसी के ऊपर टूट पड़ते हैं। तो ऐसा क्या होता है सर, जेके नंबर या एचआर नंबर, मतलब क्या, किस लिए ऐसा हो रहा है? इसीलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि देखो, ये पहले जब हम गाड़ी खड़ी कर देते हैं ट्रैफिक वालों के पास, पहले बोलते हैं कि पेपर ले आओ, उसके बाद ये कहना चाहते ये बोल देते हैं जब पेपर पूरे होंगे तो फिर बाद में वो कुछ और ही नौटंकी करने लगते हैं। अच्छा। सीधी बात तो ये है कि मतलब यहाँ की ट्रैफिक पुलिस जो है वो जेएंडके की गाड़ियों के ऊपर बहुत सारा जुल्म करते हैं, बहुत सारा। एक हो गया जुल्म, एक तो मतलब एंट्री की बात छोड़ो, ऊपर से वो मारने पीटने पे भी आते हैं, गाली गलौज तो उनके मुंह में ही होती है। अब हमने ये सब मतलब इसमें रख के क्या करेंगे? एक बात ये जानना चाहूंगा सर, जो आपकी ट्रांसपोर्ट यूनियन है इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही? कुछ नहीं यार, क्या जिसको भी पूछते यार, बात को एक कान से सुनते दूसरे कान से छोड़ते। 25 साल पहले जो किराया है वो आज भी वही किराया है। अच्छा। कुछ नहीं बचता है गाड़ियों को, 6-6, 7-7 दिन इधर मिट्टी खाना पड़ता है। रात को एक बंदा सोता है, एक बंदा गाड़ी को रखवाली करता है, कोई गाड़ी ना तोड़े, कोई चोरी ना करे। आपका कौन सा रूट है, कौन सी रूट पर चलते हैं? बस दिल्ली श्रीनगर, दिल्ली श्रीनगर से दिल्ली, दिल्ली से श्रीनगर। हाँ बस। ठीक है। बहुत जुल्म है यहाँ, बहुत जुल्म। कुछ फैसिलिटी नहीं है, बाथरूम जा दे दो 10 रुपए पहले, फिर जाओ अंदर बाथरूम। अच्छा। ट्रैफिक पुलिस तो पहले गाली फिर पैसा। भाई सबसे कौन पहले ये बात है, पीने के लिए पानी हमें खरीदना पड़ता है यहाँ पे, 20 रुपए दिल्ली का हाल है। एक शाम एक 40 रुपए का। फिर देखो ट्रांसपोर्ट नगर में क्या फैसिलिटी दी जा रही है, यानी ट्रांसपोर्ट नगर तो ट्रांसपोर्टर्स के लिए है, ट्रक ड्राइवर्स के लिए है? कुछ नहीं। सबसे पहले किराया बढ़ना चाहिए, रोड बनना चाहिए। देख मिट्टी खड़े हो, देखो सामने एकदम रोड दिख रहा है, एकदम कैसी फैसिलिटी दे रही है। मैं देख रहा हूँ इतनी ज्यादा धूल है यहाँ पर, इनको देखो क्या हाल हो गया मिट्टी। बिल्कुल सही बात, आदमी ना मना कर देते आने के लिए, देखते रहे जब ऐसी कंडीशन तो मना कर देते वो दूर से, क्या भाई इस एरिया में ही आना है। भाऊ जी कब सुधरेगा ये? बिल्कुल नहीं, अगर ये किसी नई दिल्ली में जब मोदी की कोठी के पास हो तो बनेगा ऐसे काम? देखो क्या हालात है, इतनी मिट्टी उड़ती है, बीमारी फैलने का खतरा है बिल्कुल। इतना पानी होता है यहाँ पर, 2-2 फुट पानी, इतना बुरा हाल होता है, इतना पानी बुरा हाल होता है, बंदे गाड़ी से नीचे भी नहीं उतर सकता है, इसके बारे में कोई काम ही नहीं करके राजी। तो बारिश में दोस्तों आप देख सकते हैं, मैं एक बार रोड आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा, रोड आप इसे बिल्कुल नहीं कह सकते, एक गड्ढे आप यहाँ पर कहेंगे। और दूसरा नाम दोस्तों यहाँ पर संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर दिया जाता है। तो अगर इतने बड़े गड्ढे आएंगे तो टायर एजी ब्लॉक के अंदर, एजी ब्लॉक और एडब्ल्यू ब्लॉक के बीच वाला रोड, एजी ब्लॉक और डब्ल्यू ब्लॉक है ये, एजी ब्लॉक और एडब्ल्यू ब्लॉक दोनों ब्लॉक के बीच वाला मेन रोड ये जा रहा है सीधा। अच्छा। उसकी हालत ये है देख लो, ये
ये पिछली जो बारिश हुई थी उसमें खराब हो पिछली गया बार नहीं, छह साल से ऐसे हाल है, छह साल हो गए, छह साल से यही हाल है, बुरा हाल है। ठीक है, तो दोस्तों ये आप समझ सकते हैं बिल्कुल, और जानने की कोशिश करते हैं ट्रक ड्राइवर से। हाँ जी सर, भाई साहब जैसे ही मतलब ट्रांसपोर्ट नगर में गाड़ी घुसती है ना बारिशों के मौसम में, मतलब फिर ड्राइवर भी डर जाता है, मतलब कई बार गाड़ी ना कुछ नुकसान ना हो, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब बंदा बिल्कुल ही डर जाता है मतलब पानी के बीचों बीच गुजरने से। तो दोस्तों मैं इस पे आपको जो है नोटिस करना चाहूँगा, यानी कि ये गड्ढे काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं और जब बारिश होती है उस समय तो बिल्कुल दिखाई भी नहीं देते हैं। एक गुंडागर्दी से मतलब कब छुटकारा मिलेगा ड्राइवरों से? और करंट आने का खतरा रहता है, इतना सारी जगह गिली हो जाए, करंट आने का खतरा रहता है बिल्कुल। तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम ट्रक ड्राइवर को होती है। ट्रांसपोर्ट नगर की अगर बात की जाए दोस्तों, तो फैसिलिटी के नाम पे यहाँ पर आपको किसी तरह की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर दिल्ली के अंदर काफ़ी ज़्यादा परेशानी यहाँ पर है लोग, और जैसा कि सर ने बताया कि छः साल से यहाँ पर ये रोड बिल्कुल ऐसे कैसे है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है। सर हम 25 साल से देख रहे हैं, बस ऐसे ही ट्रांसपोर्ट नगर था, इसको पूछो 25 साल से ऐसा ही। देखो जी 25 साल से देख रहे हैं, यहाँ कोई रोड की कोई तरक्की नहीं हो रही है यहाँ पे, ना कोई कुछ करता है, हमेशा बोलेंगे करेंगे करेंगे, यहाँ कोई कुछ नहीं करता। गाड़ी कैसे चल रही है देखना, ये देखना कैसे, ये देखो गाड़ी कैसे चल रही है, बिल्कुल ये देख सकते हैं दोस्तों, अगर आप गाड़ी के टायर देखेंगे बिल्कुल नीचे चले गए, इतना ज्यादा गड्ढा है। और टायर का जोड़ा होता है 50,000, मिट्टी आप इतनी देख सकते हैं दोस्तों, धूल इतनी है कि मैं यहाँ पर थोड़ी देर पहले आया था और मेरे चेहरे पर और बालों में इतनी ज़्यादा धूल जम चुकी है कि मैं बिल्कुल बता भी नहीं सकता। यानी मास्क यहाँ पर बिल्कुल रिक्वायरमेंट है, कोरोना से पहले भी है, आपको जो है मास्क यहाँ पर पहन के आना चाहिए, इतनी ज़्यादा धूल यहाँ पर आपको मिलेगी। इसके अलावा सर आप क्या काम करते हैं? सर हमारा गोडाउन आयूर का अपना AG4 में, अच्छा वहाँ पर काम करते हैं हम लोग, हमारा लोडिंग अनलोडिंग का काम है। हाँ तो सर जैसे अगर बात की जाए इसकी रोड्स वगैरह की, तो यहाँ की जो यूनियन है ट्रांसपोर्ट यूनियन है वो क्या कहती है, मतलब आप उनके पास कंप्लेंट लेकर गए थे इस रोड की? इसकी कंप्लेंट सभी कर चुके हैं यहाँ पे हम, क्या सभी बहुत बार बोल चुके हैं पर कोई एक्शन नहीं होता उसके लिए। अब वो क्या कर रहे हैं हमारी समझ से बाहर है, हम तो 25 साल से ऐसे ही देख रहे हैं। यहाँ छोटे छोटे दुकान ट्रांसपोर्टर ले लेते हैं, लेकिन दोनों लेन सड़क का जो है वो कब्जा किए बैठे हैं। अच्छा, बस जिसके कारण कोई काम नहीं हो पाता है, आए दिन एक्सीडेंट होता है। ठीक है, तो दोस्तों अब सर से जानते हैं, सर आप जो है दिल्ली से श्रीनगर जाते हैं? हाँ जी सर। तो और भी ट्रक ड्राइवर इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपको ढाबा कौन सा अच्छा लगता है, यानी कि एक ढाबा जिस पर आपको ये लगे कि आपकी गाड़ी से सामान चोरी नहीं होगा, खाना अच्छा मिलता है, कौन सा ढाबा आप बताना चाहेंगे? मुल्तानी ढाबे पे हमारा फैसिलिटी लगता है और कहीं नहीं है, खाली मतलब ये सरहंद पंजाब में पड़ता है, सरहंद पंजाब में पड़ता है। ओके, इसके अलावा सर टोल टैक्स वगैरह या फिर मतलब RTO वाले ज्यादातर कौन से रोड पर मिलेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर यहाँ दिल्ली से निकलते निकलते जैसे सोनीपत का बॉर्डर आ गया वही से स्टार्ट होता है, मतलब इनका चक्कर है बराबर अम्बाला तक, अम्बाले से फिर बीच बीच में कभी कभार पंजाब में भी मिलते हैं, लेकिन उनको ज़्यादा सख्ती नहीं करते। हरियाणा और दिल्ली में बस लूटता है ड्राइवर को, हरियाणा में ज़्यादा लफड़ा होता है। अच्छा, हाँ रात को लाइट चालू हो गए ना फिर जिप्सियाँ पीछे पड़ती है, बस लूटते हैं 1,000, 1,500, 2,000। कोई भी गाड़ी आती है पुलिस की, क्या पता कौन क्या होता है, किसी को लूटता है, जो भी पुलिस वाला मिलता है इनको पता है, मतलब कश्मीरी हमसे डरते हैं, हम तो ऐसे भी यार। अच्छा, मतलब गलत व्यवहार किया जाता है स्पेशली कश्मीर वाले जो ड्राइवर है, JK नंबर की जो गाड़ी है उसके लिए आप कहना चाह रहे हैं? ये देखो मेरे साथ सर क्या किया, हमारी दो गाड़ी का ऑनलाइन चालान हो गया 25,000, एक गाड़ी का चालान आ गया 10 दिन के बाद 25,000। मैं हॉस्पिटल में एडमिट था, ये देखो ये मेरे साथ सलूक किया, इधर कुंडली बॉर्डर बालगढ़ के पास ये मेरे साथ सलूक किया, 12 लड़कों ने मेरे को मारा, 12 लड़कों ने इतना मारा, उनको सोचा ये मर गया फिर भाग गए। किस कारण सर, मतलब पैसा ऐसे ही कुछ नहीं, लूटने के लिए आया। अच्छा, गुंडागर्दी चल रही है, देखना ये देख, 150 रुपए उधर पर्ची लेता है जो नरेला तरफ रोड आता है, कौन सा रोड है सर जहाँ पर पर्ची लगती है? जो नरेला बालगढ़, हाँ बालगढ़ नरेला बालगढ़, वहाँ नाम ही रखा गया है उसका गुंडा पर्ची। नहीं सर वो रात को पुलिस घूमती रहती है, जब पुलिस से पीछे पड़ी तो गुंडों को क्या कह सकते हैं, कोई नहीं आया जब मैं मारा था, जब पुलिस वाले से ही डर लगा तो गुंडे की तो बात ही अलग है। तो
तो आप क्या चाहते हैं सर, ड्राइवर के लिए क्या फैसिलिटी, क्या सुख सुविधाएं हो सकती है? दूसरा, और ट्रांसपोर्ट नगर की बात की जाए तो यहाँ पर क्या कुछ अच्छा हो सकता है? ट्रांसपोर्ट नगर में रोड ठीक करना चाहिए। ये देख किसकी हालत, देख ये मिट्टी से बीमारी होगी। आपको देखना था कितनी मिट्टी धूल उठता है, वो देख, देख वो छोटी गाड़ी आई, आप नजर आ रहा है रोड पे, गाड़ी को क्या हाल, ये देख 4 फुट अंदर जाता है, फिर क्या रहा ऊपर, जब बारिश हो जाए बेचारा उधरी मार जाएगा। देख गाड़ी की हालत क्या होती है। बिल्कुल सही बात है, इतनी छोटी गाड़ी अगर बारिश होती है तो बिल्कुल जाएगा बेचारा, जब वो पानी के घड़े से गुजरना जाए फिर नुकसान हो जाएगा, फिर बचेगा क्या उसका। बहुत जुल्म हो रहा है, टोल टैक्स सब डबल, हर जगह डबल लगाया है इन्होंने। जो असली रेट है ना टोल टैक्स का, ये वो नहीं लगाते। लुधियाना में 220 रुपए टोल है, वो लेता है 450 रुपए, कोई पूछता ही नहीं उनको क्या है। इस तरफ का लेन पूरे कब्जा कर रखा है ट्रांसपोर्ट नगर। अच्छा, एक ही लेन रोड चालू है बस, हर जगह यही हाल है पूरे ट्रांसपोर्ट नगर में। हाँ, 2 लेन रोड है, ये बीच से ये बनाया गया है, ये इधर 1 लेन है, ये पूरा कब्जा है, ये 1 लेन खाली है। अगर यहाँ पे जगह कभी पे होगा भी ना, फिर बंदा जानबूझ के गाड़ी नहीं लगाने देता है, कहाँ जाएगा ड्राइवर, जब ड्राइवर इधर का माल लेके आ गया। जब ये, यहाँ पे ये साइड है ना, ये वहां तक है, वहां से आगे एक साइड बंद है, तो इसको पूछो भाई साहब को है बंद एक साइड। अभी यहाँ पे माल उतार दिया, उसने अपना माल उतारा, फिर बोलता है ड्राइवर को गाड़ी निकाल, अब वो लगाएगा कहाँ पे गाड़ी, ये तो जिम्मेवारी उसकी है ना। अगर उसका माल उतारा गया, शाम तक ड्राइवर को सुविधा दो कुछ तक, जब तक नो एंट्री का चक्कर खुल जाएगा। बीच से बंद कर रहा है। खाने पीने क्या सुविधा है सर, अगर बात की जाए ट्रांसपोर्ट नगर में खाने पीने क्या सुविधा है? कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पे, यहाँ पे क्या मिल रहा है? खुद बनाते हैं, खुद बनाते हैं गाड़ियों में, अपना बनाते हैं। पानी तो खरीद के लाना पड़ता है, तो सब्जी बना लेते हैं, मगर लेकिन तुम देखो सब्जी वालों का हाल, गर्द गुबार से क्या हो रहा है सब्जी का हाल, तो हम हमारा हाल क्या होना पड़ता है। जब वही ठोकता है 100 रुपए किलो, इतनी महंगी है, मतलब यहाँ पर देते हैं आपको हर कोई चीज महंगी, हर कोई चीज महंगी, हर किसी को, ये खाली हमारे को नहीं है, हम जेंड के वाले, हर किसी को। पानी की सुविधा भी आप बता रहे हैं, पानी तो खरीद के लाना पड़ता है हमको, ऐसे फ्री में नहीं मिलता है कहीं। क्या है कि काम क्या करे बंदा, बाथरूम क्या, लास्ट में उसको चाहिए सुकून के, सुकून का आराम चाहिए लास्ट में, खाली होके, जहाँ ड्राइवर अपनी मर्जी से बैठे, अपने मजे से बैठे, अपना खाना पीना क्या रहना धोना क्या हो सके, मतलब उसकी सुविधाएं होनी चाहिए। ये देखो खर्चा कितना आता है आजकल, किराया तो है ही नहीं कुछ, यहाँ से किराया बिल्कुल कम है, खत्म। अभी 31,000 है, अच्छा उधर से भी लाया 30,000, 60,000 गाड़ी का खर्चा है, अब खुद ही सोचो बचेगा क्या। अब मजबूरी है, मजबूरी में चलना पड़ता है, 3,000 बचे 4,000-6,000 उठाना पड़ता है, मजबूरी है, गाड़ी का बैंक बैलेंस है, करेंगे क्या, कहाँ जाएंगे। किराया वही है, किराया वही है जो है, तो हाँ तेल को चढ़ाते रहो बीच बीच में, मगर किराए जागता रहता है, गाड़ी का चोरी का खतरा है। अच्छा, इतनी ज्यादा परेशानी ले जाएगा, जैसे ही मतलब जेएनके का ड्राइवर दिल्ली में घुसता है ना, उसकी नींद हराम, जब उसका आराम पहुंचता है ना 6-7 दिन 8 दिन 10 दिन के बाद, फिर वो सोएगा 2 दिन। यहाँ तो यहाँ से मतलब गाड़ी निकल जाती है पंजाब की तरह रुख करती है, उसको सीधा लगता है कि मैं सीधा अपना घर पहुंच गया। जब पंजाब, जैसे ही पंजाब एंट्री मारते हैं बस, मतलब ड्राइवर को लगता है कि बस मैं, आप ये कह रहे हैं कि पंजाब में सेफ फील करते हैं जेके जेएनके का ड्राइवर, बस हरियाणा में सेफ फील नहीं करता, हरियाणा कोई भी जगह लूटता है सर, उधर लूटता है, बहुत लूटता है, बहुत जुल्म करता है। रात को अगर चलो गाड़ी मोटी सी गलती गाड़ी वाले से हो भी जाती है, चलो अभी ये छोटी गाड़ी रोड पे चढ़ गई, ये तो लगने वाली है, भी ले जाएगा। और एक अगर छोटी गाड़ी वाले की गलती हो गया ना, उल्टी उल्टा वो ट्रक वाले को ही पकड़ेगा, उल्टा ट्रक वाले को ही पकड़ा जाता है। अगर छोटी गाड़ी वाले की गलती हो, उल्टा ट्रक वाले को ही रोड पे रहेगा ना, ट्रैफिक पुलिस पकड़ेगा, मास्क कहाँ है, पुलिस वाला पकड़ेगा, मास्क कहाँ है, वो इसको सर पहले ठीक करो ना। सही बात है, मास्क लगना चाहिए, क्योंकि हमारे ऊपर ही ब्लेम कर देते हैं। हाँ, इस मिट्टी धूल को क्या करेगा मास्क, जब गाड़ी में घुसेगा शीशा बंद कर। बिल्कुल, मैं यहाँ की सिचुएशन समझ चुका हूँ, काफी ज्यादा मिट्टी धूल और गड्ढे यहाँ पर है, तो ये प्रॉब्लम यहाँ के लोगों ने काफी ज्यादा जाहिर की है। बाकी सर, आपके जो ड्राइवर भाई देख रहे हैं, यानी ट्रक ड्राइवर्स भी मेरे वीडियो को देखते हैं, उनको क्या कहना चाहोगे, क्या संदेश देना चाहोगे? कई बार ऐसा होता है कि ट्रक ड्राइवर के ऊपर आरोप वगैरह लगते हैं सर, कि वो बदतमीजी करते हैं, नशा वगैरह काफी ज्यादा करते हैं। हर कोई नशा नहीं करता है, हाथ में से सर उंगली 5 है, ये 5 किस्म के 5 है, नहीं हर कोई नशा नहीं करता है। हो सकता है मतलब कौन क्या है, अभी आप मेरे पास आए, मुझे क्या पता है यार आप क्या हो। बिल्कुल आपकी बात सही है, नशा हर कोई नहीं करता है, नशा हर कोई आदत होता है, हर कोई नशा नहीं करता है।
ठीक है, उसके बारे में हम कुछ तो नहीं करेगा। ड्राइवर का अपना पर्सनली मामला है, उसमें हम टांग नहीं अड़ा सकते। कोई नशा करता भी होगा, क्या पता खड़ी गाड़ी में कर सकता है, या वो उसकी लेन देन है, हम उसके साथ मतलब ये बातचीत नहीं कर सकते। नशा तो यहाँ सिविल भी ज्यादा करता है, ड्राइवर की बात छोड़ो, यहाँ ऐसे ऐसे काम चलता है, ऐसे ऐसे काम चलता है इधर रात को ना। अगर आप देखोगे आप भी आंखें बंद करके भाग जाओ, भाग जाओ। मैं समझ गया बिल्कुल, हम ऐसी ऐसी सिचुएशन यहाँ पे देख रहे हैं, क्या शराब पी के बंदा यहाँ खुद मतलब रात को बिना पिए ही टून हो जाता है। मतलब ये यहाँ की हालत देख के कोई बंदा ऐसे सड़क पे लेटा होता है, फिर बंदा डर जाता है यार, क्या पता मरा हुआ होगा, क्या पता हमारे ऊपर ना आए, कोई संभालते नहीं। अगर ठेका बंद हो जाएगा फिर नशा भी बंद होगा, ये बात तो है बिल्कुल। ठेका बंद करना चाहे, कोरेक्स बेचता है वो बंद करना चाहे, वो इंजेक्शन लगाता है बाजू में वो बंद करो, जब मिलेगा ही नहीं मार्केट में तो करेगा कौन? ठीक है, तो सर आपके अगर ड्राइवर लाइफ की बात की जाए, कितना एक्सपीरियंस है, कब से गाड़ी चला रहे हैं आप? मैं तो 24 साल से गाड़ी चला रहा हूँ। एक दिन में कितना किलोमीटर गाड़ी रन करते हैं? एक दिन में हम 400 किलोमीटर 400 किलोमीटर चलते ही चलते हैं गाड़ी चला रहे हैं ड्राइवर एक दिन में। अच्छा, यही अंदाज है। बाकी सर होटल वगैरह में मतलब कहीं सोते हैं, फिर गाड़ी के अंदर ही सोना? ना ना, गाड़ी अपना बनाता है, अपना ही खाता है, बाहर खाना नहीं खाएंगे जी, बाहर हम खाते हैं, कोई नहीं खाएगा बाहर खाना। अच्छा, ये स्पेशलिटी है कश्मीरी से, अपना बनाएगा। इसका क्या क्या कारण है सर? मतलब इसका कारण का अपना, उनको बाहर स्वाद नहीं आता खाने का, खुद ये मोटा चावल खाते हैं, रोटी कम खाते हैं, चावल खाते हैं, ये अपना सामान अपना लेके आते हैं, सारा जो भी है राशन पानी अपने साथ ले जाते हैं। सबसे पहले सर हमारी फैसिलिटी किराए बढ़ना चाहे, हमारी महंगाई बहुत है, बार माल महंगा है, हमारा गाड़ी ये केमिकल पे चलता है, उसको केमिकल खर्चा है, रोड टैक्स खर्चा है, दो रोटी दाल 100 रुपए ले लेगा, तेल महंगा है, उसमें किराया बढ़ना चाहे, और ये ट्रांसपोर्ट में फैसिलिटी होनी चाहिए, लग जाएंगे तो फिर तो हो गया काम। तो ये बिल्कुल समझ सकते हैं दोस्तों, रोटी खा लिया 400-500 रुपए उड़ जाएगा उनका होटल के ऊपर, जो उनका 200 में काम हो रहा है। वैसे हम 200 में लाएंगे तो अपना काम निभाए, 6 बंदे आराम से खा लेंगे, दो टाइम भी खा सकते, बहुत बढ़िया बना के। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको यहाँ पर बताया कि ट्रांसपोर्ट नगर के अंदर जो ट्रक ड्राइवर्स हैं किस तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं। यहाँ पर एक तो जो रोड है, रोड की सिचुएशन और कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। इसके अलावा इन्होंने बताया कि इनके साथ गुंडागर्दी की जाती है। फैसिलिटी नाम की कोई चीज नहीं, फैसिलिटी तो एक तो बात छोड़ दो भाई, वो तो फैसिलिटी मिट्टी कितनी उड़ती है आपने देखा होगा, बिल्कुल फैसिलिटी तो एक बात है, वो तो छोड़ दो भाई, पहले सबसे ये बात है, ये जो ट्रक ये तो अभी पहले 5 साल से पहले गाड़ी निकलती थी, वो निकलती थी 15 लाख 16 लाख में, आज यही गाड़ी जो निकल रही है वो निकल रही है 23-24 लाख में सर, पर लेकिन सर जो खर्चा है वो ज्यादा, ये देखो ज्यादा ये पानी बिक्री कर रहा है, सुबह 20 रुपए का केन, शाम को 20 रुपए का केन। अच्छा, हमको फैसिलिटी पानी सप्लाई होना चाहिए, है कि नहीं? बिल्कुल, ये बात दिल्ली में एंट्री पीने का पानी तो मिलना चाहिए। हम सर दिल्ली में एंट्री करता है 300 रुपए देता है म्युनिसिपैलिटी का फीस, वो किस लिए देता है? सही बात है, पानी के लिए, बाथरूम के लिए, वो तो हम खुद खरीदना पड़ता है, और बोलता है आज फास्ट ट्रैक लगाओ, गाड़ी पे फास्ट ट्रैक लगाओ, उसी में हम पैसा काटेगा, हाथ में 300 मत दे दो, जाम होता है फास्ट ट्रैक पे ना, दिमाग खराब हो जाता है, और उधर बोलता है गाड़ी टाइम वाला माल भी तरपाल उठाओ, खिड़की खोलो, इसमें कहाँ सेब है, इसमें कोई और माल है, कोई झूठ बोलेगा मेरे को गाड़ी में सेब है? अच्छा, जब होगा फिर बोलेगा, मतलब बात करने से पहले ही गाली, बंदा गाली क्या को हर कोई क्या नहीं हो, पहले गाली बाद में बात। नहीं देखो सर, देखो चेकिंग का तो मैं ये कहूंगा कि चेक तो करना पड़ता है, डिपार्टमेंट को, पुलिस प्रशासन को चेक तो करना पड़ता है, चेक करो, हमने कहा बोला मत चेक करो, लेकिन उनका अपना काम होता है, उसमें कोई मतलब उसकी हम इंटरफेयर नहीं कर दिए, मगर इधर फैसिलिटी होनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट नगर गाड़ियों के लिए सेफ्टी जगह होता है, बिल्कुल यहाँ तो पूरी रोड ही बंद है, रोड पे गाड़ी खड़ा है, मिट्टी धूल सब लगता है, और शाम को चोरी का खतरा है, ये बोलता है खलासी को तू जागते रहो आधी रात तक मैं सो जाऊंगा, आधी रात पर ये सो जाता है, वो जागता रहता है। ये कौन सा ये इसा? बिल्कुल मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा कि जैसे कि ट्रांसपोर्ट नगर में इतनी ज़्यादा परेशानी आ रही है, रोड की परेशानी है, पानी की परेशानी है, इसके अलावा चोरी की भी परेशानी है, यानी कि आपकी गाड़ी खड़ी है, आपका सामान है, तो यहाँ पर जो है बिल्कुल भी सेफ फील आपको नहीं होगा, किसी ना किसी को निगरानी आपके सामान पर रखनी पड़ेगी अगर आप अपने सामान को सेफ रखना चाहते हैं तो। इसके अलावा जो ट्रक ड्राइवर है उनको क्या परेशानी आती है पुलिस की तरफ से, आरटीओ की तरफ से, ये तो छोड़ो दोस्तों, इसके अलावा गुंडागर्दी का भी जिक्र ड्राइवर साहब ने यहाँ पर किया है कि नरेला से हरियाणा की तरफ जब गाड़ी एंट्री करती है
तो उस समय इनके साथ ऐसी घटना होती है जिसमें इनको काफ़ी ज़्यादा चोट लगती है और गुंडागर्दी का माहौल होता है, जिसके कारण एक ड्राइवर के लिए काफ़ी ज़्यादा यानी डर भरा माहौल हो जाता है। तो उस रोड से गुजरने वाला ड्राइवर के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा डर उसको लगने लगता है। इसके अलावा फोकस करूँगा दोस्तों, वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इतना आप इसे शेयर कीजिए कि यहाँ की जो प्रॉब्लम है यहाँ के म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट के पास पहुँचे और ट्रांसपोर्ट नगर के लिए कुछ फैसिलिटीज़ आए, ट्रक ड्राइवर्स के लिए कुछ फैसिलिटीज़ आए, यानी कि ट्रक ड्राइवर हमारे देश के जो इंटरनल सोल्जर है दोस्तों, आंतरिक सैनिक है। ट्रक ड्राइवर नहीं होंगे तो देश की जो GDP है बिल्कुल ग्रो नहीं कर पाएगी। एक जगह से दूसरी जगह यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट जो भी इसेंशियल सामान है, हर तरह का सामान है, वो ट्रक ड्राइवर ही पहुँचाने में मदद करते हैं। ट्रक ड्राइवर की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आज हमने कोशिश किया दोस्तों ट्रक ड्राइवर के दर्द को समझने की, किस तरह की परेशानी इन्हें आती है। तो वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग ट्रांसपोर्ट अड्डा।